नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान शहर के वैसे व्यक्ति के पास जो समाज के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए और अपने देश के बारे में सोचने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। नाम है जीवन यादव, जो समाज सेवी के नाम पे आज इनका नाम मोहर लग चुका है और पूरे बिहार में इनका नाम का चर्चा चल रहा है। आज हम बात करेंगे, एक बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि सिवान के जो युवा हैं, जो किसी भी प्रत्याशी के पास आज तक कोई नहीं गया है, वो चाहे एमपी हो या विधायक हो, लेकिन आज जीवन यादव के पास जो चुनाव का माहौल बना हुआ है, अपने मन से, अपने प्यार मोहब्बत से यहाँ पे युवा आए और युवाओं का प्यार सबसे ज़्यादा जीवन यादव जी को मिला। बेस्ट समाज के युवा हैं या जो भी समाज के युवा हैं, सबसे बड़ी बात है कि व्यापारियों का जो एक दौर चलता है और उस परिवार के जितने भी युवा हैं, उन युवाओं का प्यार जीवन यादव जी को मिला है और आज इनके कार्यालय पे आकर सम्मानित किया गया इनको और फूलों माला से एक आशीर्वाद दिया गया कि आने वाला कल सिवान का पहचान होगा जीवन यादव, जो बड़ा मुकाम करेंगे। कई सालों से लगातार, एक दो सालों से प्रयास करते आ रहे हैं समाज के हित में काम करते वक्त। और इनके जो प्रत्याशी हैं सिंपी देवी जी, जो चेयरमैन पद से प्रभावित होकर चेयरमैन पद के लिए इन्होंने थाना की समाज के हित के लिए सिंपी देवी को चुनाव जिताना है, ताकि नगर परिषद का जो फंड आता है वो सही दिशा में सही निर्वाहित हो सके और जनता के बीच में वो पैसा बढ़ सके, ताकि सिवान का उत्तम विकास हो सके। हमारे साथ जीवन यादव जी जुड़े हुए हैं, जो आज इतना बड़ा काम कर रहे हैं और इनका पहचान इतना बड़ा हो चुका है कि हर एक युवा इनको फैन मतलब मना चुके हैं। इनके फैन हजारों की तादाद में दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड घुमाइए कितने लोग यहाँ पे आए हुए। देखिए, ये केवल युवा हैं और ये सब पढ़ने वाले और मतलब जॉब करने वाले हैं। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से आए हैं, सिवान जिला के ही हैं। सिवान के नहर, आपका घर कहाँ है? सिवान है। आपका घर कहाँ है? सब्जी मंडी। आप लोग घर कहाँ है? पटवा टोली। पटवा टोली। देखिए, यही के सिवान जिला के ही है, सिवान नगर के हैं और सभी वोटर हैं आप लोग ना, सभी वोटर आप लोग वोट करेंगे। देखिए, ये अपने मोहब्बत से, अपने प्यार से, ये सर का कहीं और दौरा था और दौरा छोड़ के जब सुने कि भाई ये सिवान के युवा यहाँ पे पहुँचेंगे तो भागते हुए यहाँ पे आए और फिर इनका प्रोग्राम भी अभी जाएंगे। क्या कहेंगे सर, इतना बड़ा मतलब आपको मुकाम मिल रहा है, युवाओं का सबसे बड़ा आपको श्रेय प्यार मिल रहा है। युवा पीढ़ी को नमस्कार। मतलब ऐसा, हम सच बता रहे हैं, हम एक मतलब हम आपको बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सच बता रहे कि इतना युवा आपके पास बिना मतलब ऐसे प्यार दे रहा है, तो लग रहा है कि मतलब ये सच में ये अलग मोमेंट। प्यार मेहनत का है, सच्चाई का है, ईमानदारी का है। जो कार्य हम ईमानदारी से करते हैं, यही कारण है कि युवा पीढ़ी हमारे साथ। लोग आपको बोल रहे हैं यूथ आइकन, और भी लोग बोलते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि जीवन यादव को इस सीट पर बैठाना है किसी भी हाल में, ताकि सिवान का मतलब पहचान बदल दें। सिवान की पहचान बदलने ही तो आए हैं, मौका मिलने दीजिए, करके दिखा देंगे। अभी जितने भी युवा आप आए थे सिवान के बीचों बीच के, जो शहर के युवा हैं, वो लोग पहुंचकर आपको मतलब फूलों माला से सम्मानित किए, आपको गमछा देकर एक सम्मानित किए, मतलब बिहार का एक जो ताज होता है गमछा, उसको सम्मानित करके लोगों ने आपको जीत की शुभकामनाएं दे दी है, कि क्या लगता है सर? जीत हमारी पक्की है। पक्की है। हाँ, सिंपी गुप्ता को हम अपनी बहन मानते हैं, मुंहबोली बहन है। ये लोग वैसे समाज से आते हैं, इनकी भी मुंहबोली बहन है। हम सब भी लोग भाई हैं और हम लोग की बहन चुनाव लड़ी है, तो हम लोग जाहिर सी बात है कि मेहनत करके उनको निकालेंगे, उनको मौका दिया जाएगा, 5 साल सिवान का विकास करे। ये कॉलू बेचारी अपना एक नाम पहचान बना के और शहर के एक दूसरी कुर्सी पर बैठ के भी एक अच्छा काम करे। इन लोगों कैसे शुभकामनाएं देना चाहेंगे, जो तमाम युवा लोग पहुँचे हैं, कोई पढ़ने वाला है मतलब एक तरीके से बिजनेसमैन में, चाहे कोई जॉब कर रहा है, और सभी अपने दौर में अपने युवा पीढ़ी के लिए देखिए रोजगार की ज़रूरत है और शिक्षा की अच्छी ज़रूरत है। हम बोले कि चुनाव जीत के आएंगे ना, तो युवा पीढ़ी के लिए खेल कूद पे, शिक्षा और शिक्षा पे फंड जो भी सरकार का होगा वो जरूर हम चाहेंगे कि उसमें से 30% फंड निकाल के युवा पीढ़ी पे खर्च किया जाए, क्योंकि युवा देश का भविष्य होते हैं। तो हम अगर चेयरमैन बन जाएंगे तो 70% समाज का कल्याण में जाएगा और 30% युवा पीढ़ी पे खर्च होगा, कि कल के डेट में हर युवा एक नया मुकाम हासिल करे, एक नई पहचान हासिल करे, अपने सिवान की डिस्ट्रिक्ट की एक नया इतिहास रचे।
यहाँ पे जितने भी युवाएं हैं सभी कह रहे हैं कि आपको विधानसभा के रूप में देखना चाहते हैं। अभी देखिए ये तो आगे का खेल है, वो आगे देखा जाएगा, अभी तो इस खेल को देखा जाए जिसमें हम लोग लगे हैं, आगे का आगे होगा। अभी तो हमारे गार्जियन अतुल श्री अवध बिहारी चौधरी जी, चाचा जी हमारे हैं, विधायक हैं, जब तक हैं तब तक हम लोग फर्ज बनता है कि उनके साथ रहें। युवा पीढ़ी हमारे साथ है, हम नेता नहीं बनेंगे लेकिन यूथ आइकन तो कहेंगे ना, बहुत बड़ा पोस्ट है सर, हाँ तो बस कहला रहे हैं। तो हमको विधायक नहीं बनना है, एमपी नहीं बनना है, यूथ आइकन बनना है। हाँ, वो उससे बड़ा कुर्सी कोई नहीं होता है। यूथ आइकन कुर्सी के मतलब सेल्फी दे रहे हैं, हम कोनो सलमान खान थोड़े हैं, अमिताभ बच्चन थोड़े हैं, लेकिन यूथ आइकन का कुर्सी विधायक की कुर्सी से। लेकिन सीमान के लिए तो शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन हो चुके हैं आप। अरे यही चाहते हैं, अब और अच्छा काम करेंगे कि हमको लोग और यूथ आइकन माने, देहातों में भी लोग हमको मानते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी यूथ आइकन के नाम से हम जाने जाएं। हमको विधायक एमपी का ख्वाब नहीं है, बस इसी यही ख्वाब था जो मुझे मिल रहा है, समाज में एक अच्छी पहचान मिले, हमेशा एक नाम मिले, जैसे मान ली कभी समाज से भी मिला, आज यूथ आइकन कहा जा रहा है, कल कुछ और कहा जा रहा है, रॉक स्टार भी सुने हैं कि दिन पहले आप घूम रहे थे लोग, हाँ 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 वही सुने थे, बच्चे चिल्ला रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे उसमें, वो रॉक स्टार सुपर स्टार, वही पूछना चाहते थे भाई हम तो कोई फिल्म बनाए नहीं है। तो आपका तो लुक केजीएफ मतलब केजीएफ 2 जैसा लगता है। अच्छा, हम ये बोले कि हमारे लुक पे ही केजीएफ बना हो तो कैसा लगेगा। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सर। तो देखिए जीवन यादव के समर्थक में एक बड़ा सोच आया हुआ है, सोच में मैं बोल रहा हूँ, ताकि जो युवा होते हैं सोच होते हैं और अपने सोच पे देश को निर्माण करते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं। तो जब वो सोच जीवन यादव के साथ में आए हैं तो लग रहा है कि जीवन यादव समाज का और बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, ताकि जीवन यादव जी चेयरमैन पद पर जिसको निर्धारित किए हैं सिम्पी देवी को, किसी भी हाल में चुनाव जिताना चाहते हैं ताकि समाज के लिए, सिवान के नगर के विकास के लिए बड़ा मुकाम हासिल हो सके। हम चाहेंगे कि आप वीडियो को देखें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका प्यार मोहब्बत मिले, ताकि हम लोग और सच्चाई दिखाएं। एक बड़ी बात यह है कि हम लोग जो दिखा रहे हैं ये सच्चाई है कि युवाओं का प्यार पूरा संपूर्ण जीवन यादव को मिल रहा है, ये बड़ा एक सोच है, युवा का सोच मिल गया आपको, बहुत बड़ा यही तो सोच है, तभी तो यूथ आइकन कह रहे हैं। कहे ना कि चेयरमैन का 30% फंड हम युवाओं पे खर्च करेंगे, आप लोग सहमत हैं 30%? तो देखिए साथ में है, क्या कहेंगे भैया? हम जो व्यक्ति माने इनको अभी वोट नहीं देगा, हाँ सम्मानित भी किए हैं, जो आदमी अभी के डेट में जितना आदमी पैसा खर्चा कर दिया है सिवान के लड़की के माहौल में, मंदिर के माहौल, शादी के लिए भी पैसे दिए हैं, मंदिर मस्जिद जहाँ भी चाहिए वहाँ ये 50,000-51,000 रुपया से प्रोजित किए हैं, हर मंदिर मस्जिद जहाँ गए हैं, जो भी प्रॉब्लम लोग रखा गांव का सब जगह दिए हैं, यहाँ तक कि टणवा मठिया में भी उन्होंने अपना से पैसा दिया है, दिए हैं, काम वहाँ जारी है। चलिए तो देखिए यहाँ पे जो आपका घर कहाँ है? टणवा। टणवा ना, पहले टणवा पंचायत में था, नगर में आ चुका है, और टणवा के लोग अभी इनको टणवा प्रोग्राम है ना? जी अभी प्रोग्राम है, तो टणवा के लोग भी सम्मानित कर रहे हैं जीवन यादव जी को और वहाँ जाएंगे, कार्यक्रम तो उनका लगातार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि युवाओं का प्यार, युवाओं का स्नेह इनको भरपूर मिल रहा है, देख सकते हैं लोग सेल्फी ले रहे हैं, देख सकते हैं और लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, ये बड़ा ट्रेंडिंग है, क्योंकि समाज में एक यूथ आइकन के नाम से जीवन जी का नाम आज चर्चा का विषय बना हुआ है। धन्यवाद, थैंक यू।